वी ऑल होम मेकर्स आर मैजिशियन, और नहीं तो क्या, हम लोग जादूगरनियां तो होते हैं जो घर में जादू की छड़ी घुमा घुमा के घर को सुंदर और डेकोरेटिव और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे ना हमारी बहुत सारी मेहनत होती है और हमारा बहुत सारा डेडिकेशन होता है। तो इसी डेडिकेशन के साथ मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आती हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ना घर के अंदर ही छुपा होता है, वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकास हैप्पी होम। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेड के ऊपर मेरा बच्चा किस तरह से खेल रहा है। आपके घर की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होती होगी, है ना। बेड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोग उठते बैठते खेलते नाचते हैं और फिर बेडशीट को गंदा करते हैं, अनटाइडी करते हैं और फिर हम बार बार उसको ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि बेड ही तो घर का मैक्सिमम पार्ट, रूम का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है। मैंने ना मीशो से ये फिटेड बेडशीट मंगाई है जो कि आपके बेड को ना एकदम से अच्छे से फिट होके बैठ जाती है। देखिए इसमें ना इलास्टिक होता है जो कि आपको चारों तरफ से बेड के साइड में कॉर्नर्स में लगाना होता है, और आपको नॉर्मल बेडशीट की तरह इसको बिछाना भी नहीं है, बार बार हर जगह से उसको टक नहीं करना है। तो बहुत इजी है, मतलब हेवी मैट्रेस रहता है ना तो आप बेडशीट डालना थोड़ा अवॉइड करते हो या आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं होती है। देखिए कितनी आसानी से ये हो जाता है और बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर अगर आप मंगाते हैं और बिछाते हैं ना तो आपके बेडरूम का लुक ही चेंज होता है। तो इस तरह से अगर आप अपने बेड को ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो छोटे क्या बड़े बच्चे भी कितना भी नाच ले आप उनको नहीं चिल्लाओगे, जैसे मैं यहाँ पे बार बार चिल्लाती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत काम की चीज़ है। बेड ऑर्गेनाइज करने के बाद ना बेड साइड टेबल की बात करते हैं। हम सबके घर में बेड साइड टेबल रहता है, मैंने भी एक यहाँ पे छोटू सा बेड साइड टेबल अरेंज किया था। तो बेड साइड टेबल पे ना आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि वाटर बॉटल, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो आप रखो, साथ में ना एक छोटी सी ट्रे रखो जैसे मैंने यहाँ पे रखी है। तो जब भी आप कुछ रीडिंग वगैरह करते हो तो आपको बुक रखने के लिए भी ये बेड साइड टेबल यूज़ होता है, और ख़ास करके ये जो ट्रे रखी है ना इसमें आप अपनी ज्वेलरी जो नाइट में आप सोने से पहले निकाल के रखते हो उसको रखोगे ना तो बिल्कुल भी डीक्लटर नहीं दिखेगा और आपको इजीली आपकी ज्वेलरी हाथ में आएगी, आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है। आप अपनी ज्वेलरी को किस तरह से अरेंज करते हैं मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। लेकिन मेरे घर की स्टोरी कुछ उल्टी है, मैं यहाँ पे बेड साइड टेबल नहीं रख सकती हूँ बिकॉज ये देखिए इसका रीज़न, मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रखती हूँ। तो चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना एक जूट का बैग लिया है जो इस तरह का बहुत ही सुंदर और स्टडी बैग है। तो मैंने क्या किया है, इस बैग के हैंडल को ना हम डबल टेप चिपकाएंगे और उसकी हेल्प से ना हम इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिक करेंगे। ये देखिए दो साइड पे डबल टेप लगाने के बाद एक हैंडल पे मैं क्या करूँगी, ये हैंडल है ना मैट्रेस और बेड के बीच में इसको डालूंगी और इसको अच्छे से चिपका दूंगी। ये देखिए इसको अगर आप ऐसे भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन ये फिर ना लोड नहीं ले पाएगा। अगर आपको इसको लोड देना है ना थोड़ा सा पानी का बॉटल वगैरह तो आपको इसको अच्छे से चिपकाना ज़रूरी है। एंड नाउ यू कैन सी आई एम पुटिंग ऑल द थिंग्स जो कि मेरी बेड साइड टेबल पे थी, लेकिन इस तरह से मैं ये प्लेट नहीं डाल सकती, तो क्या करें। तो यहाँ पे इस तरह से पाउच मैंने लिया है, एक पॉकेट लिया है, उसके अंदर मैंने सारी ज्वेलरी रख दी है और इसके अंदर हमने रख दिया है। कितना इजी हो गया देखिए, एकदम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है हर चीज़, और बहुत आसान था, मतलब बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और अब ना मेरे बच्चे को ये सब दिखता नहीं है तो वो ये सब उठाता नहीं है, तो एकदम अच्छे से रह गया है। इसकी क्या बात करें, हमेशा मैं आपके साथ लेजी सुजन के कुछ ना कुछ आइडियाज ट्रिक्स ऑलवेज शेयर करती हूँ और आपको अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेजी सुजन में ना मैंने इस तरह से बड़े कंटेनर्स रखे हैं, तो सोचा क्यों ना इसको हम डबल
टियर बना दे। तो सिंपली इसके ऊपर मैंने एक ट्रे ऐड की है और उसके ऊपर छोटे वाले कंटेनर्स रखे, और आप देखिए एक ही लेजी सुजन में मेरा डबल काम हो रहा है, तो बिल्कुल छोटा पैकेज डबल धमाका हो गया है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास मसाले का ये वाला ऑर्गेनाइजर है जो कि पुराना हो गया है, काफ़ी सारे लीड्स भी मिसिंग है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक गोल वाला डब्बा जो होता है वैसा कुछ खरीदा जाए, फिर मैंने सोचा कि वाई टू वेस्ट मनी, चलो घर में ही कुछ बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह से एक डब्बा घर में लिया है, अगर नहीं होगा ना तो उस तरह से बॉक्स भी आप ले सकते हैं। और फिर मैंने लिए हैं कुछ पेपर कप्स, इस तरह से बॉक्स भी आप लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, लेकिन मैं इसके अंदर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये पेपर कप्स अरेंज किए हैं, देखिए कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है, सिर्फ अरेंज किए हैं। और बीच में ये बैठ नहीं रहा है एक कप, तो मैंने कुछ और चीज़ रखी है बिकॉज़ ये कप इधर उधर हिले नहीं, तो फिर अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहेंगे, स्टेडी रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे और आपके मसाले ना मिक्स नहीं होंगे। और अब मैं ना मेरे सारे मसाले जो कि मुझे डेली लगते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको इसमें भरूंगी। अलग से हम इसको इसके लिए करेंगे कि एट अ टाइम आपको सारे मसाले एक साथ मिल जाएंगे जब भी आप कोई सब्जी या ग्रेवी बनाते हो। और देखिए कितनी सारी बॉटल्स, कितने सारे मसाले के ऑर्गेनाइजर्स मेरे खाली हो गए हैं, तो एक ही जगह पे इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई है, अननेसेसरी मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है। और अब मैं अपने पिटारे से ना ये स्पून्स निकाल रही हूँ जो कि हमने हमारे बेबी के मिल्क पाउडर से इकट्ठा किए थे, ये देखिए कितने सारे स्पून्स है। लेकिन जब भी मैं इसको रख रही थी ना तब मुझे लगा कि ये बहुत गंदे हैं और इनको साफ़ किया जाए। तो चलिए आइडिया तो अपने पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में लिक्विड सोप और पानी लिया है और उसके अंदर सोप में ये स्पून्स डिप करके रखे हैं। थोड़ी देर बाद ना मैंने इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ लिया है और अच्छे से झाग बना लिया है। फिर मुझे लगा कि ये फिर से क्लीन नहीं हो रहे, तो मैंने और एक आइडिया किया, अपने इस वाले पिटारे वाले बास्केट से ना मैंने ये देखिए ये वाला जो नेट होता है ना फ्रूट्स के साथ आता है, वो मैंने स्टोर किया था, वो निकाला और उससे ना ये सारे स्पून्स मैंने रगड़ लिए। मतलब आपको ना ये छोटे छोटे स्पून्स घिसते बैठने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल भी हो जाता है और साफ़ भी नहीं होते। तो इस तरह से ना आपको हार्डली 5 सेकेंड एक बार रगड़ लेना है अच्छे से और फिर पानी डाल के वॉश आउट कर लेना है और फिर एक कपड़े में लेके आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हो गया बिकॉज ना ये स्पून देखिए इस तरह से डीप है राउंड शेप में, तो इनको ना स्क्रब करना डिफ़िकल्ट था, तो मैंने ना इस तरह का आइडिया लगा लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप इमीजिएट क्लीन कर सकते हो इन आइडियाज़ को यूज़ करके। ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया, और ये देखिए ये गंदा वाला स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ और ये साफ वाले, कितना डिफरेंस दिख रहा है। और फिर हम लोगों ने इसको डाला है अपने मसाले के डब्बे में, और ये देखिए मेरा इन हाउस मसाले का डिब्बा रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। आप ना नॉर्मल भी मसाले के डब्बे के अंदर है ना ये वाली आइडिया ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं ना एक पेपर को अपने जो लीड का शेप है उसमें कट करके ले रही हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोगों को और थोड़ा छोटा सर्कल काटना पड़ेगा, लीड से थोड़ा छोटा राउंड कट कीजिएगा और अपने मसाले के डब्बे के इस तरह से ऊपर रखिएगा। इस तरह से करेंगे ना तो आपके मसाले मिक्स नहीं होंगे और फिर वो मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेंगे, और प्लस अगर आप इस तरह से एक सिलिका जेल डाल देंगे ना तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बारिश में आपके मसाले एकदम ड्राई और सेफ रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे पास बहुत सारी क्लॉथ की बैग्स आती है, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का ये स्टिकर ऐड किया है जस्ट टू हाइड द लोगो ऑफ द बैग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, वीडियो करते टाइम मुझे ये ध्यान में नहीं आया, उसके बाद मैंने ये किया है, तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो इस तरह से लॉन्ग हैंडल वाले जो बैग होते हैं ना वो हम होल्ड नहीं कर पाते हाथ में और फिर घर में पड़े पड़े वेस्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे ना एक हैंडल हमने कट किया है और दूसरे हैंडल को हमने इस तरह से गले में डाल लिया है और पीछे हम लोग उसको नॉड बांधेंगे तो एक अच्छा सा हमारा एप्रन बनेगा। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तो मैंने क्या किया, और एक बैग ले लिया, उसके भी हैंडल्स निकाल लिए और सिंपली ना हमें हमारे हैंडल को एक्सटेंड करना है। इस तरह के बैग है ना, फेंकिएगा नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। एज अ ऑर्गेनाइजर आप अच्छे से यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस शेप। और अभी देखिए मैं ना यहाँ पे सुई धागे से इनको एक्सटेंड कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद ये अच्छे से जितने चाहिए उतने बड़े हो गए हैं और देखिए एकदम झटके में ना हमारा ये एप्रन रेडी है। इसको आपको ना जितना अच्छे से नीचे खींच सकते हो खींच के फिर टाई करना है, अदरवाइज ये ऊपर उठेगा। और देखिए मेरा ये एप्रन एकदम रेडी है। एप्रन वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Please subscribe the channel for more ideas like this. मैंने ना स्टिचिंग करते टाइम रियलाइज़ किया कि यहाँ पे मेरे पास तो एक नीडल का काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, बट अगर आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज़र नहीं है और आप भी इस तरह से नीडल खुले में रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा है, जस्ट आपको रोटेट करना है और आपको इसमें से नीडल निकालनी है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से एक छोटू सा नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी नीडल्स मैंने इकट्ठा कर ली है और फिर हम इसको ना एक मैग्नेट के साथ चिपका देंगे, बस फिर आपके नीडल्स इधर उधर डिक्लटर नहीं होंगी। आप इस तरह से एक मैग्नेट यहाँ पे रखिए और नीडल्स को चिपका के ऑर्गेनाइज कीजिए। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।